नमस्कार, मैं हूं काव्या कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। खबर निकल के आई है बिहार के जहानाबाद जिले से, जहां पे मनरेगा योजनाओं में 4 बार फर्जी तरीके से पैसे की निकासी की गई है। जी हां, आपको बता दें कि इस योजना के नाम पर 4 बार फर्जी तरीके से राशि निकाला गया है। मामला जो है वो रतनी प्रखंड के उचिटा पंचायत के गंगाकुरा गाँव का है। फिलहाल इस मामले को लेकर ग्रामीणों के साथ साथ स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों पे भी दोषारोपण किया गया है। इस मामले को लेकर वहां के जो स्थानीय ग्रामीण है वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो भी सुने। क्या मामला? पहले लघु सिंचाई विभाग से पहन का कार्य हो चुका है, फिर पुनः एक साल बाद ग्राम पंचायत मनरेगा से फर्जी निकासी कर। कितने बार इसमें फर्जी निकासी हुई? इसमें एक रामभुवन बिंद के बोरिंग से मुसाटोली होते नहर तक का, फिर पुनः इसी पैन को बिंदा चौधरी के खेत से मुसरटोली होते हुए नहर तक दो बार मैंने फर्जी निकासी की गई लघु सिंचाई के बाद। क्या कहीं पे सिलापट वगैरह लगा हुआ? सिलापट तो एक नहीं, बाकी एक मुसरटोली में सिलापट लगा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुरारी प्रसाद। पूरा पैन उड़ा है। क्या नाम है? नाम बताइए अपना। गाँव का नाम क्या है? गननकुरा। देखिए, हम लोग जिस स्थल के पास खड़ा हैं, ये स्थल यहाँ से नाम में ये लघु सिंचाई से पूरा काम हो चुका है। एक योजना यहाँ से चला है मनरेगा के द्वारा कि बलदैया नदी से लेके गननकुरा आहर तक आगे तक, इसमें नुआमा पंचायत समिति के द्वारा पैसा की निकासी किया गया है। दूसरा मामला है कि इसी योजना को ग्राम पंचायत उचटा के द्वारा 3 योजना, कभी बिंदा चौधरी से एक खेत आगे से लेकर के आपको ये भुईटोला तक करके वहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। फिर ये देख रहे हैं यहाँ से लेकर के फिर उसको, मैंने एक ही योजना को लगातार 3-3 योजना डिवाइड करके एक ही योजना को बिना काम कराए हुए फर्जी निकासी किया गया है। वजह है कि ये तो लघु सिंचाई से काम हो चुका है और इसमें भी एक पंचायत समिति मद से भी पूरा हो चुका है। तो बताइए कि जब लघु सिंचाई काम कर दिया तो मनरेगा किस स्तर से 4 नाम को बदल के 4 योजना में निकासी, इसमें करीब 10 लाख कुछ रुपए की निकासी किया गया है। तो हमें कहना है कि जब तक इसकी जांच नहीं की जाएगी हम संतुष्ट नहीं है। इसको जांच किया जाए और जांच नहीं होने पर हमने जिलाधिकारी महोदय को, हमने DDC महोदय को, हमने ग्रामीण विकास विभाग को, हमने मगध परमंडल कमिश्नर साहब को, हमें सब लिखित रूप से हमने फैक्स करके इस मामला को उठाने का काम किया है। अब हम चाहते हैं कि इस मामले को जांच किया जाए और जांच में जो भी पैसा लेन देन कर करके PRS JEPO के द्वारा योजना को खोला जाता है और मोटा रकम ले करके आधा निकासी ले करके इस काम को इन लोग पैसा पर इन लोग काम करते हैं। हम चाहते हैं कि अगर जाँच नहीं होगा तो हम आपको बताते हैं कि 1 तारीख से हम आमरण अनशन पे 17 तारीख से जहानाबाद समरणालय के पास हम इसके खिलाफ हम अनशन पर जाएंगे, नहीं तो इसको DDC महोदय या DM साहब से अनुरोध है कि इसको जांच किया जाए। आपने स्थानीय ग्रामीणों को सुना जो इस पूरे मामले को बताते हुए कहे हैं कि 4 बार एक ही योजना पे जो है पैसा निकाला गया है, फर्जीवाड़े तरीके से अधिकारियों के द्वारा ये पैसा निकाला गया है। वहीं जब इस मामले को लेकर जहानाबाद के DM रिचि पांडे से बातचीत की गई तो उनका क्या कुछ कहना है, आप वो भी सुने। उचिता पंचायत में ऐसा आरोप लगाया गया है कि एक ही योजना में कई बार उसमें भुगतान दिया गया है नरेगा योजना के माध्यम से। तो इस पर हम लोगों ने एक कमेटी का गठन किया है उसको जांच करने के लिए विस्तृत रूप से, और जल्द ही वो अपने जांच प्रतिवेदन समर्पित करेंगे और उसके आलोक में हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। आपने जहानाबाद के DM रिचि पांडे को सुना जिन्होंने बताया कि ये मामला उनके संज्ञान में आया है, इसको लेकर वो संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट देने के लिए काम जो है सौंप दिया है। रिपोर्ट आने के बाद इस पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। तो आपको बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा जो है मनरेगा की योजना चलाई जाती है और इसी योजना के तहत जहानाबाद में 4 बार फर्जी तरीके से एक ही काम पर पैसे की निकासी की गई है, जिसका मामला अब संज्ञान में आया है। इसको लेकर जिला अधिकारी भी साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि संबंधित अधिकारी को काम सौंप दिया गया है, रिपोर्ट आते ही इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।